हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। सो कम फास्ट फॉर द क्लास। सो इट्स ऑलमोस्ट 10। वील स्टार्ट आवर क्लास एट 10:05। इज माई ऑडियो क्लियर टू एवरी वन? मुझे जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में बताओ। सो मेरे से कल कुछ बच्चों ने बोला था दैट दे हैव टू लर्न संधि अगेन फ्रॉम मी। सो मैंने संधि की PPT तैयार कर लिया आप लोगों के लिए, ठीक है? इज माई ऑडियो क्लियर टू एवरी वन? जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। हेलो भावेश जी, कैसे हो? जल्दी जल्दी आ जाओ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आवाज कट रही है, वो थोड़ा टेक्निकल इशू है। जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स इट विल बी ओके। सो डोंट वरी, जल्दी जल्दी आओ ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर सकूँ। 10:06 हो गए, 10:07 तक आई विल बी वेट फॉर एवरीवन, ठीक है? ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, संधि। संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण। संधि की परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है, ठीक है? संधि क्या होता है? शब्द के समीपवर्ती वर्णों, मतलब जो पास आ जाते हैं, जो पास में रहते हैं वर्ण, उनकी उनके वर्णों के मेल से परिवर्तन जो होता है वह संधि कहलाता है, ठीक है? संधि के बे और पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है और उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि विसर्ग संधि। लिख लो और जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। कल किसी बच्चे ने बोला था दैट ही और शी वांट्स टू नो व्हाट संधि इज, दैट्स व्हाई प्रिपेयर टुडे संधि PPT। आफ्टर दैट वील डू आर MCQ। जस्ट वी हैव टू डू दिस वंस ओनली। आज बच्चे नहीं आए क्यों? इज देयर एनी ओकेजन और व्हाट?
गुड इवनिंग कुलजीत जी, गुड इवनिंग भी पूजा जी, गुड इवनिंग सोनल, गुड इवनिंग सोनल जी। जल्दी जल्दी आओ, मैं आप सबका ही वेट कर रही थी। मैम ये पेपर फर्स्ट का है। हाँ जी कुलजीत जी, ये पेपर फर्स्ट का है। अंजू मेरी गुड इवनिंग। मे बी कुलजीत जी यू आर न्यू कमर, राइट? यू आर फर्स्ट, यू हैव, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो विच इज़ यू वॉचिंग राइट नाउ। हेलो अंजू जी, ये पेपर फर्स्ट का है। कल मुझसे किसी बच्चे ने बोला था दैट ही और शी वांट्स टू लर्न संधि अगेन, दैट्स व्हाई प्रिपेयर द संधि टॉपिक फॉर यू टुडे। हेलो गायत्री जी, हेलो अनुपम जी, यस मैम। सेकंड का व्हाट भावेश जी, ओके। अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया कि संधि क्या होते हैं। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के विकार, मतलब पहले जो आखिरी वर्ण होता है उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि विसर्ग संधि, ठीक है। एंड फर्स्ट हम करेंगे स्वर संधि। स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर कहते हैं। स्वर के पांच भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि। मैम मैं पेपर सेकंड के प्रिपरेशंस करना है। ओके कुलजीत जी, एवरी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस टोल्ड मी दैट दे हैव टू डू सेकंड पेपर प्रिपरेशन। इज योर सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर और समथिंग एल्स? जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट पेपर है मैम, सेकंड पेपर का भी सेम होगा। नहीं भावेश जी, फर्स्ट और सेकंड पेपर का देखिए कॉन्सेप्ट और सिलेबस अलग होता है ना। और आप सब्जेक्ट कंसर्न की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हिंदी हिंदी लिटरेचर हो गया और जनरल हिंदी, बहुत फ़र्क होता है। हम जनरल हिंदी में खाली क ख ग पढ़ते हैं और हिंदी लिटरेचर में स्वर व्यंजन सब पढ़ते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरव्यू, ये होता है। पेपर सेकंड बहुत अलग हो जाता है, बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, टॉपिक्स भी अलग होते हैं, है ना। इसलिए ये पेपर फर्स्ट ही है हिंदी का। आप मुझे अपने सब्जेक्ट्स बता दीजिए। आफ्टर दैट आई विल टॉक टू विद माय सर और कोऑर्डिनेटर, आई विल बी इन्फॉर्म यू ऑल। ओके हाय मोनिका जी। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ, आ छोटी ई छोटा ऊ के पश्चात, ह्रस्व या दीर्घ बड़ा आ छोटी ई छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ बन जाता है। बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, विद्या जमा आलय विद्यालय, महा जमा आनंद महानंद, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षा, महा जमा आत्मा महात्मा। ये इम्पोर्टेंट हैं सारे ये एग्जाम्पल्स, प्लीज जस्ट राइट देम ऑल। आई एम नॉट गोना से दैट राइट वन ओनली, यू हैव टू राइट दैम ऑल, बिकॉज सब में ना अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखो एक चीज संधि में याद रखना, विच इज योर नोट, कि जब बड़े दो अक्षर मतलब बड़ा आ या बड़ा ई बड़ी ई छोटे ऊ या छोटी ई से मिलेंगे, दे'ल रिमेन द बड़ा आ और बड़ी ई, और जो भी है बड़े शब्द हमेशा बड़े ही रहेंगे, ओके। वेदर दे प्लस विद छोटा आ और छोटी ई या छोटा ऊ, ओके। संस्कृत, संस्कृत की तो होती है क्लास हमारे फिलर फॉर्म पे, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी सिलेबस। संस्कृत का होता है,
पेपर सेकंड संस्कृत पढ़ाया जाता है फिलर फॉर्म पे, मे भी 1 बजे पढ़ाया जाता है, या 1 बजे, ठीक है। सो इज देर एनी डाउट? लिंक नहीं मिलता? ओके, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता लिंक नहीं मिलता। आप पता है क्या कीजिएगा, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि 1 बजे यूट्यूब पे फिलर फॉर्म सर्च करिएगा, सबसे ऊपर जो भी क्लास हो रही होगी संस्कृत की हो रही होगी ना, आपको नाम लिखा आ जाएगा और आप उसमें ओके कर देना, फिर आप आई जाओगे अपनी लाइव क्लास पे, ठीक है। इफ अगर लिंक नहीं आता तो अब है बाकी के भेद, छोटी ई प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी। मैंने बोला था ना, छोटा छोटा जब जुड़ेगा तो बड़ा तो होगा, लेकिन जब छोटा छोटी ई और बड़ी ई जुड़ेंगे तब भी बड़ी ई ही रहेगा। यू हैव टू राइट दिस ऑल, जैसे अति जमा इव अतीव, कवि जमा इंद्र कवेंद्र, रवि जमा इंद्र रवेंद्र, कपि जमा इंद्र कपेंद्र, परी जमा इक्षा परीक्षा, गिरी जमा ईश गिरीश, ठीक है। ओके मैम, सो जस्ट राइट इट डाउन एंड आफ्टर दैट जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। अब है सेकंड गुण सदी, यदि आ और आ के बाद छोटी या बड़ी या बड़ा उ हो आए तो दोनों स्वर मिलने के क्रमशः ए ओ और अर हो जाते, जैसे या जमा उ तथा त्र, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए न जमा इंद्र नरेंद्र, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए नर जमा ईश नरेश, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। गुड इवनिंग रत्ना जी।
अभिवृद्धि संधि आ प्लस बड़ा अ के बाद ए या ए आए तो बड़ा ए होगा, और उ प्लस बड़ा उ हो तो ओ होगा। आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, एक प्लस एक इज इक्वल टू एकाएक, लोक प्लस एकाशन, लोकेशना लोकेशना। आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, मत जमा एक के मतैम्य, धन जमा ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य। आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, सदा जमा एफ सदैव, तथा जमा एफ तथैव। अब है यण संधि। यदि ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और तरह के बाद विभिन्न स्वर आए तो ई और ई हो जाता है, या तथा ऊ और बड़ा ओ का व तरह हो जाता है। अ प्लस अ या अति जमा अधिक अत्यधिक, यदि जमा अपि यद्यपि, अ ई प्लस अ या इति जमा आदि इत्यादि, अति जमा चार अत्याचार, ई जमा ऊ यू, उपरी जमा उक्त, उपर्युक्त प्रति जमा उपकार प्रत्युक्त प्रत्युपकार। लिख लो, उसके बाद मैं चेंज करूंगी इसे। आदि संधि, यदि ए और ए ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए तथा आए ए का आए हो और ओ का अव और ओ का अव हो जाएगा। अ प्लस ए आए, शे जमा अन शयन, ने जमा अन नयन, गौ जमा अन गयन। जस्ट राइट इट डाउन, आफ्टर दैट विल मूव अ फॉरवर्ड। मैम लिंक नहीं मिलता संस्कृत। ओके okay। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण पर किसी वर्ग के पहले क क च च का मेल
किसी स्वर प्रत्येक वर्ण से तीसरे चौथे वर्ण का होता है। व्यंजन वर्ग पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो व्यंजन होता है क ख ग वाला, पहला वर्ण जो क होता है वो अपने तीसरे चौथे वर्ण से मिल जाता है। जैसे का वाली लाइन में ग सेकंड थर्ड या फोर्थ थर्ड वर्ण है तो वो उससे मिल जाएगा। क ग होना, दिग्गज दिग्गज, ज का ज होना, अच जमा अंत अजंत, दिक जमा अंत दिगंत, अच जमा अधि आजादी आजादी आजादी। आई एम सो सॉरी, आई स्पेल इट रॉन्ग। सो आगे चलते हैं। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण से परिवर्तन। यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क च त थ प का मेल अनुनासिक वर्ण हो, केवल न म से हो, तो उसका स्थान किसी वर्ग पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क कड़ा होना वक में वर्ण में, ट कड़ा होना षटमुख षटन्मुख, त का न होना उत्मुक्त उन्मुक्त। छ संबंधी नियम, किसी भी ह्रस्व या स्वर या अ का मेल छ से हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। स्वच्छंद स्वच्छंद, परिच्छेद परिच्छेद, ठीक है। त संबंधी, त के बाद यदि च छ त का च हो जाता है, उच्चरण जमा उच्चारण, उत जमा चरित उच्चरित। त का मेल ज झ से हो तो त झ में बदला जाता है। जैसे सत जमा जन सज्जन, जगत जमा जननी जगजननी। ता के बाद यदि ट ठ ड हो तो क्रमशः ट ड में बदल जाता है। उड्डयन मतलब उड्डयन, वृहट टी का मतलब वृहट टीका, ठीक है। म का मेल क से होकर ह तक किसी भी व्यंजन में हो तो अनुस्वर हो जाता है। स जमा कलन संकलन, सम जमा गति समगति, ठीक है। लिखते रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स का संबंधी नियम, स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स श हो जाता है। सु जमा समा सुषमा, ठीक है। नाउ योर संधि टॉपिक इज एंड। इज देर एनी डाउट मुझे जस्ट कॉमेंट सेक्शन में बता दो। कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन। इज देर एनी डाउट सो जस्ट लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन। ओके सो लेट अस एंड द क्लास। ओके सो मीट यू टुमोरो। हेलो आर्टिस्ट क्वीन जी, कैसे हो? ओके नाउ वी एंडिंग द क्लास हेयर बिकॉज आर टॉपिक्स एंड हेयर। ओके सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। मीट यू टुमारो एट 10 एंड वी विल डू टुमारो एमसीक्यूज ऑफ संधि। ओके जस्ट रिमाइंड इट एंड राइट इट डाउन योर नोटबुक ऑन योर फोन और वॉट एवर यू वॉन्ट हैव टू राइट डाउन, राइट इट डाउन। वील डू टुमारो एमसीक्यू ऑफ संधि। सो नाउ जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय, बी वेल।